हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू कॉमिक्स। मैं हूं आपका होस्ट मनीष और आज मैं करूंगा कुछ अनबॉक्सिंग्स, ओवरव्यूज एंड रिव्यूज। सो गाइस, ये रहा कुछ कॉमिक्स जो मैं आपको एक एक करके दिखाने वाला हूं, स्टार्टिंग विद दिस। सो ये मैं रिसेंटली ऑनलाइन खरीदा था, एक व्हाट्सएप ग्रुप पर बिक रहा था, सो वहां पर से मैं उठा लिया ये तीन कॉमिक्स। सो हियर इज युग फ्रॉम टीवीएस प्लैनेट, हियर इज एक छोटी सी लव स्टोरी फ्रॉम ड्रीम कॉमिक्स एंड हियर इज कर्मा फ्रॉम टीवीएस प्लैनेट अगेन। सो लेट्स स्टार्ट विथ युग। युग मैं बहुत पहले खरीदा था बट आई गेस इंग्लिश में। सो टीवीएस प्लैनेट के तरफ से यूजुअली बहुत ही एवरेज और बिलो एवरेज कैटेगरी का स्टोरी और आर्टवर्क मिलता है। युग कंपैरेटिवली थोड़ा बेहतर था एंड बिकॉज टीवीएस प्लैनेट हैज़ बीन यू नो कंस्टेंटली पुशिंग आउट दिस सबस्टैंडर्ड कंटेंट। सो मैं टीवीएस का फुल फॉर्म नहीं जानता था एक्चुअली, बट मेरा एक पर्सनल निमोनिक मैं कुछ ऐसा बनाया था कि टोटल बुलशिट। सो इट इज क्वाइट डिसरेस्पेक्टफुल, बट जिस पब्लिशर के तरफ से ऐसा घटिया कंटेंट मिलता रहता है उनके लिए मैं ज्यादा लेनियंसी नहीं दिखा सकता, आई एम रियली सॉरी। बट मेरा ये परसेप्शन बिल्कुल चेंज कर दिया कर्मा ने। गाइस, कर्मा का आर्टवर्क देखने के लिए क्या आप तैयार हैं? आई होप यू आर रेडी बिकॉज द आर्टवर्क इज फैंटास्टिक। पहले ही बता देता हूँ दोस्तों, सो हियर इज कर्मा, अवय, एक नई शुरुआत, एक्स्ट्रा कॉमिक्स ऑन स्टार्टअप, ह्यूमर इनसाइट्स, कैन एंड विन एश्योर गिफ्ट, ब्ला ब्ला ब्ला। सो कवर आर्ट डिसेंट, इट्स गुड, बट द इनसाइड आर्टवर्क इज फैंटास्टिक बिकॉज इट इज मेड बाय नन अदर देन गौरव श्रीवास्तवा। सो वे टू गो टीवीएस प्लैनेट, बिकॉज एज रीडर्स वी एक्सपेक्ट क्वालिटी कंटेंट। कंसिस्टेंटली बुरा कंटेंट देने से रीडर्स काफ़ी आशाहत हो जाते हैं एंड देन इन एक्सचेंज ऑफ देयर हर्ड अर्न मनी जब कॉमिक्स खरीदने के बाद उन्हें मिलता है बहुत सारा डिसअपॉइंटमेंट और फ्रस्ट्रेशन, तब बहुत नेगेटिव रिव्यूज पोर इन होते हैं। बट जस्ट लुक एट द आर्टवर्क गाइस, आई एम एब्सोल्युटली लविंग इट। एक्शन है, ब्लड है, गोर है एंड या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रीडिंग कर्मा फ्रॉम टीवीएस प्लैनेट। एंड देन वी हैव ड्रीम कॉमिक्स, एक छोटी सी लव स्टोरी एंड एडल्ट कंटेंट है लग रहा है जजिंग बाय द अपीयरेंस ऑफ दिस लेडी, और लव स्टोरी है टाइटल पर तो यू कैन एक्सपेक्ट सम एक्शन गोइंग ऑन। आर्टवर्क बहुत ही औसत दर्जे का है, नथिंग यू नो इम्प्रेसिव और स्टफ लाइक दैट। एनाटॉमी फिर भी कंपेरेटिवली ठीक ठाक सा है बहुत सारे जगहों में, बट कलरिंग इज नॉट दैट ग्रेट। या लेट्स सी स्टोरी कैसा है। वेल नेक्स्ट वी हैव एक फेरोस कॉमिक्स युगा। सो हियर आर द क्रिएटर्स, एक बहुत ही बेहतरीन कवर आर्ट दोस्तों। सो लेट्स रीड व्हाट्स रिटन एट द बैक। इन अ फाइट टू सेव अर्थ अ वॉरियर प्रिंस फाइंड्स हिज लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर लीडिंग द एनिमी अंटिल एन एलियन रेस विशिंग टू वाइप देम ऑल आउट टेक्स एडवांटेज ऑफ द स्ट्राइफ। सो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, देर इज फैंटेसी एलिमेंट, देर इज एलियंस। सो या लेट्स फ्लिप अ कपल ऑफ पेजेस बिकॉज दिस कवर हैड जस्ट ब्लोन माई माइंड। सो फेरोस बुक्स आई गेस दिल्ली बेस्ड पब्लिशर हैं एंड दे कीप ऑन पुशिंग आउट कंटेंट्स लाइक दिस, बट बहुत कम लोगों को पता है, सो आई एम ट्राइंग टू गिव देम एज मच कवरेज एज पॉसिबल। एंड फ्यूचर में ऐसा ही कोई डेडिकेटेड वीडियो बनाने का भी प्लान है जहाँ पर मैं बाकी सारे फेरोस कॉमिक्स को कवर करूँ, तो लेट्स सी कि वो कब पॉसिबल हो पाता है। फिलहाल जस्ट लुक एट द आर्टवर्क गाइस, हालांकि पेज मैपलीथोसा है, इट्स नॉट ग्लॉसी और मैट, बट कलर प्रोडक्शन अच्छा ही हुआ है, इट्स नॉट फेडेड और एनीथिंग लाइक दैट। बहुत ही बेहतरीन आर्टवर्क दोस्तों, देर इज ऑक्स, नाइट्स एंड एंडलेस फाइट्स, अमेजिंग गाइस। सो एक्चुअली इसका प्राइस आई थिंक 700-800 ऐसा कुछ है, बट फ्लिपकार्ट पर अराउंड 350 के आसपास आपको ये मिल जाएगा विथ अप्रॉक्सीमेटली 50-60% डिस्काउंट। यहाँ पर दोस्तों एक ड्रैगन भी है, वाओ अमेजिंग, टोटली लुकिंग फॉरवर्ड टू रीडिंग दिस। वेल डन फेरोस बुक्स। नेक्स्ट चलिए एक और फेरोस कॉमिक्स को ही आपको दिखा देता हूँ मैं। सो हार्ट ऑफ अ चैम्पियन द क्रिएटर्स, लेट्स फ्लिप अ कपल ऑफ पेजेस। ये दोस्तों थोड़ा फेडेड सा है, इसका प्रिंटिंग उतना अच्छा नहीं हुआ है, सो कलर प्रोडक्शन उतना बढ़िया है नहीं,
और इसका जो लेआउटिंग भी है वो भी कुछ खास पसंद नहीं आ रहा मुझे। लेटरिंग भी थोड़ा एमएचएस सा है, एक बॉक्सिंग रिंग के अंदर ही पूरा कहानी घूम रहा है जितना मुझे समझ में आ रहा है इन पेजेस को देखकर। नॉट सेटिंग अप वेरी हाई होप्स बट द कलरिंग इज रियली वेल डन दैट आई मस्ट एडमिट। सो यह इसमें है टोटल 34 पेजेस। चलिए पढ़ के बताता हूँ कभी आपको। एंड एट लास्ट बट नॉट लीस्ट लेट्स सी व्हाट वी हैव हियर। पेंगुइन रैंडम हाउस की तरफ से गोस्ट्स ऑफ किंगडम पास्ट बाय हर्षो यानी कि हर्षो मोहन चट्टोराज। सो आई थिंक ही इज बोथ द राइटर एंड आर्टिस्ट ऑफ दिस ग्राफिक नॉवल। सो यहाँ पर पीछे लिखा गया है प्लॉट सिनॉप्सिस, अ सुपरनैचुरल थ्रिलर सेट इन कॉलोनियल कलकत्ता। सर एलेक मॉर्गन, अ फेमस ब्रिटिश पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, इज इन कोलकाता फॉर द लॉन्च ऑफ हिज लेटेस्ट बुक, accompanied by his able guide and teller of grisly tales, Jogga. He goes on a tour of the city's most haunted places, sites of ghastly murders and tragic romances. However, Sir Alec is bitterly disappointed with the tour and publicly scoffs at the lack of ghosts and spirits in the city. Little does he know that his words will soon come back to haunt him when he pays a visit to St. Mary's Cemetery. Written and illustrated by Harsha Mohan Chatturaj, Ghosts of Kingdom Past clears away some of the dust and cobwebs covering Kolkata's fascinating history. So guys, पूरा कहानी कोलकाता के बैकड्रॉप में ही है। वहाँ पर कुछ हॉन्टेड प्लेसेस में सर एलेक मॉर्गन इज जस्ट विजिटिंग टू फाइंड सम गोस्ट, ताकि जब कोलकाता से वो वापस जाए तब उनके पास कुछ मेमोरीज हो। लेकिन ऐसे ही बहुत सारे साइट्स में घूमने के बाद उनके हाथों कुछ नहीं लगता और वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड और फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। बट फाइनली एट सेंट मैरी सिमेट्री शिट स्टार्ट्स गेटिंग रियल। सो गाइज दैट्स बेसिकली द प्लॉट। काफ़ी मज़ेदार कहानी है ये दोस्तों, मैं ऑलरेडी इसे पढ़ चुका हूँ। इट्स नॉट टेरीफाइंग बाई एनी मीन्स, इट्स क्वाइट फनी टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट देन अगेन इट्स एन इंटरेस्टिंग रीड। कुछ बेहतरीन ट्विस्ट है बट सम ऑफ द ट्विस्ट आर प्रेडिक्टेबल, सो या देर इज दैट अ बिट ऑफ अ बमर, बट ओवरऑल इट्स अ गुड रीड। मेरा बस दो ही शिकायत है इस बुक से कि काश ये कलर में होता, क्योंकि हर्षमोहन चट्टोराज का इतना ज़्यादा डिटेलिंग रहता है कि कलर से अगर हम सेपरेट ना करें इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फिगर आउट कि व्हाट इज़ व्हाट इन सम प्लेसेस। ही इज़ अ फैंटास्टिक आर्टिस्ट, आई मीन क्रॉस हैचिंग कुछ ज़्यादा कर देते हैं, आई डू नॉट रियली डिग दैट, बट ओवरऑल द प्रोडक्ट लुक्स गुड। बट एज आई वाज सेइंग द कंप्लेंट्स आर कि आई विश इट वॉज इन कलर एंड आई विश इट वॉज प्रिंटेड ऑन अ बेटर क्वालिटी पेपर, बिकॉज ये मैपलिथ हो सा है एंड इट डजंट रियली फील दैट गुड, थोड़ा न्यूज़ पेपर वाला वाइब आता है। सो देर इज़ दैट। कुछ 180-200 रुपीज़ का बुक है ये दोस्तों, आपको यहाँ पर लगभग 70-80 पेजेस का एक स्टोरी मिलेगा विथ सम एक्स्ट्रास। सो यहाँ पर आप एक्स्ट्रास देख रहे हैं फिलहाल, बट या आई कैन रिकमेंड दिस टू एनी वन who is looking forward to reading an interesting ghost story. एक different taste आपको मिलेगा, आपको थोड़ा refreshing लगेगा ये। Story के लिए मैं इसको दूंगा 3.5, artwork के लिए भी 3.5, because I wish it was in color, so it gets a total of 7 out of 10, which makes it a good read. I loved it and I hope कि आप भी इसे खरीद कर जरूर पढ़ेंगे। So guys, आज के लिए बस इतना ही। यही था आज का एक छोटा सा unboxing and overview video showing some of the comics that I bought recently. एंड आई थिंक आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा, सो या आई एम जस्ट डूइंग माई जॉब। होप यू लाइक इट। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।